चलिए, सो आई थिंक आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। ठीक है, अब सुने मेरी बात। आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, लेट अस सी। आप सुनते जाइए ध्यान से। दैट इज, यहां पर हमने जो है दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स लिए हैं। ठीक है, ए और बी, मतलब यू कैन टेक बेंजीन एंड टॉलवीन, ऐसे आपने लिए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपने क्या किया, इसको जो है एक कंटेनर में इक्विलिब्रियम आने के लिए रख दिया। सुनते जाइएगा मेरी बात, जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, हमने इसको जो है इक्विलिब्रियम आने के लिए रख दिया, तो क्या होगा, ए के भी वेपर्स बनेंगे और बी के भी वेपर्स बनेंगे यहां पर। ठीक है, सो बोथ ए एंड बी विल गो इन वेपर फॉर्म। अच्छा, यहां पर मैं साथ में ऐड कर दूं कि देर इज पी ए स्टैंडर्ड जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू सपोज 600 mm ऑफ एचजी। ठीक है, या टॉर, एंड पी बी स्टैंडर्ड इज 400 टॉर। आप सुनते जाइए। अब इसके बाद हमने इसको इक्विलिब्रेट होने दिया, इज इट ओके। तो क्या होगा कि यहां पर जो है वेपर फॉर्म में बोथ द वेपर्स ऑफ ए एंड बी विल बी देयर। ठीक है, ये लेक्चर जो है मतलब आज का कॉन्सेप्ट लंबा चलना है, इसलिए जो है लिंक्ड है पूरा, ध्यान से समझते रहिए अभी से। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ए की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में वाई ए है और बी की जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई बी है। ठीक है, तो यहां पर होना क्या है कि क्योंकि दिख रहा है यहां पर कि ए ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है तो वो वेपर फॉर्म में ज्यादा जाएगा। ठीक है, अभी अभी सुनते जाइए। तो ये वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो जब भी वेपर फेज में गया, अब क्या है, अब हमने इसके जो वेपर्स है ना, ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, इसके जो वेपर्स हैं उनको हमने यहां से जो है इस कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। यहां पे हमने स्टॉप कॉक लगाया था। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हमने जो है यहां से इन वेपर्स को कंडेंस होके, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, इट इज कंडेंसर ये। ठीक है, तो यहां पर वी हैव स्टॉप कॉक, तो कंडेंसर से फिर वेपर्स आएंगे जब हमने, तो फिर जो है वो यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब क्या है, अब जब ये यहां पर आ गए इसके वेपर्स, पहली बात तो ये है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर पॉइंट लिख लेता हूं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर्स डजंट चेंज व्हेन कंडेंस्ड। मतलब ये हुआ कि ये जो वेपर्स हैं, जब आप इनको लिक्विफाई करोगे तो इनकी वही कंपोजिशन होगी जो वेपर में वाई ए और वाई बी की थी, लेकिन क्योंकि अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गए तो हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट इट बी एक्स ए डैश दैट इज इक्वल टू वाई ए एंड लेट इट बी एक्स बी डैश दैट इज इक्वल टू वाई बी।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब सुनते जाएं आप, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा ना कि जो यहां पर है वही इसके लिक्विड में हो, सुनते जाइए। तो अब क्योंकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम साथ साथ में कैलकुलेशन भी करते जाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ में जो है कैलकुलेशन जो है वो करते चलिएगा, सुनते जाइए। देखो, यहां पर हमने जैसे वाई ए निकालना है, व्हाट इज दिस वाई ए? वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी। ये हम लास्ट इनिशियल लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है? तो यहां पर भी कि और इट इज पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए अपॉन पी टी। सो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज पी ए स्टैंडर्ड इज 600, एक्स ए इज 0.5, एंड व्हाट इज पी टी? पी टोटल, जो टोटल प्रेशर इसका होगा, एक मिनट, सबसे पहले हमें पीटी को कैलकुलेट करना होगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आसान है। पीटी इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड काई ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड काई बी, जो यहां की कैलकुलेशन मैं यहां पे कर रहा हूं। सो दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज पी ए स्टैंडर्ड? 600 इंटू 0.5 प्लस 400 इंटू 0.5, तो ये कितना हो गया? 500। सही है बात? ठीक है, अब इसके बाद जो है तो ये आ गया हमारे पास 500। तो एक तरह से ये कितना आ गया जी, आप बोले 0.6। तो ऑब्वियसली वाई बी विल बी 0.4, जिसको कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज पी बी अपॉन पी टी इज इक्वल टू आप यहां पर देखें मोल फ्रैक्शंस जो है अब वाई ए की बढ़ गई है ना? तो ये बढ़ी क्यों है? बढ़ी इसलिए है क्योंकि वाई ए वॉज पी ए वॉज मोर वोलेटाइल कॉम्पोनेंट। सही है बात? अब तो मोल फ्रैक्शन हो गई 0.6, 0.4। जब ऐसा हो गया, अब सुनिए, तो मतलब ये भी सेम ही रहेगा, दैट इज 0.6 एंड 0.4। अब जो है हमने इसको, जो ये वेपर्स को कंडेंस होके आया, इसको हमने फिर से इक्विलिब्रेट होने देना है। तो अगेन सेम सिचुएशन आ जाएगी यहां पर, दैट इज के वाई ए डैश एंड वाई बी डैश, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला? पी ए अपॉन पी टी, इसका पी बी अपॉन पी टी, पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए डैश, क्योंकि नई मोल फ्रैक्शंस हैं ये, अपॉन पी टी, पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी अपॉन पी टी। अब सुने, दैट इज यहां पर पी टोटल हम कैसे निकालेंगे? इधर का पी टोटल इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी। पी ए स्टैंडर्ड तो अपना सेम ही रहेगा 600, लेकिन अब आ गया इंटू 0.6 प्लस 400 इंटू
0.4, लेट इट बी समथिंग, ठीक है। तो अब इससे क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो कि क्या आएगा वाई ए और वाई बी का? जस्ट मेक द कैलकुलेशन, वाई ए और वाई बी क्या होगा आप निकाल के दीजिए मुझे। दैट इज इसको ये कितना आएगा वैसे, ये आ जाएगा 600, सो आई वॉन्ट द आंसर्स वाई वाई बी के आंसर्स जल्दी से, एक मिनट दे रहा हूं आपको, ठीक है, निकालिए। आंसर दो यार, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। फाइव ट्वेंटी, तो मैं मान लू इसको कि ये 520 है और दूसरा, अच्छा इट इज 520, ओके इट इज 520। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, वाई ए और वाई बी की भी मुझे बताइए। वाई ए इज नहीं, वाई ए 0.6 नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, वाई ए इज 0.692, सो अप्रोक्सीमेटली आई एम टेकिंग 0.7 एंड इट हैज 0.3। Now, आप लोग मेरी बात पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, तो मेरी बात पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ऑब्वियसली वाई बी विल बी 0.3, ठीक है। सो अब आप देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए एक मिनट, सुनाई दे रही है मेरी बात, जस्ट एक मिनट। ओके, तो आप सुनिए, दैट इज यहां पर आप लोग जो है ये ध्यान रखिए, जस्ट एक मिनट, लेट मी कनेक्ट टू यू पीपल्स। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, पहले मोल फ्रैक्शन कितनी थी, इनिशियली इट वाज एक्स ए 0.5, एक्स बी 0.5, दोनों की मोल फ्रैक्शंस जो है हमने इक्वल ली थी, ठीक है। लेकिन जब ये वेपर फॉर्म में गए, तो वेपर फॉर्म में जाने के बाद जो है यू हैव सीन कि वाई ए की मोल फ्रैक्शन 0.6 और 0.4 हो गई, ठीक है, मतलब देयर वॉज इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन, सही बात, इंक्रीज हुआ मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे आपने कंडेंस किया 0.6 0.4, क्योंकि हमने लिख लिया कि कंडेंस करने पे जो है इट रिमेन सेम, ठीक है, एम आई ऑडिबल टू ऑल, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद जो है जब आपने वापस इसकी वेपराइजेशन की, तो यू हैव सीन कि यहां पर जो है ये 0.7
और 0.3 आ गया, ठीक है, 0.7 0.3 आया, तो मतलब जो हमारा वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था वो जो है और ज्यादा हो गया, ठीक है, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था वो जो है और ज्यादा हो गया। सो इस तरह से आपने एक स्टेप में इवेपोरेट किया, फिर कंडेंस किया, ठीक है ना, फिर आपने इवेपोरेट किया, तो ए की कंपोजिशन आप देख रहे हैं कि लगातार जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो जो है लगातार इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है। सुनिए, तो यहां पर अब इसके बाद अगर आप इसको फिर से कंडेंस करोगे तो फिर से क्या होगा, अगेन यू विल सी कि ये जो है फिर से 0.7 की जगह 0.85 हो जाएगा, ठीक है, इसके वेपर्स को कंडेंस करोगे फिर वेपराइजेशन करोगे तो 0.85 0.15 हो जाएगा, फिर ऐसे जो है आप फिर से कंडेंस करके इवेपोरेट करोगे 0.9 हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वी विल गेट प्योर, क्या मिल जाएगा हमें, वी विल गेट प्योर ए, ठीक है, हमें जो है प्योर ए जो है मिल जाएगा, इज इट ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते, दैट इज आई होप, मुझे कंफर्म कीजिए आप तक मेरा मैसेज जो है क्लियरली पहुंच रहा है कि नहीं, कंफर्म कीजिए बाय सेइंग यस और नो, आर यू गेटिंग माय मैसेज, ओके, जस्ट वन मिनट, एक मिनट दीजिए आप मुझे जो है, अच्छा तो ये बात हो गई एक, अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट एक मिनट, अब ये तो हो गया क्वेश्चन, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि वेपर्स में जो है व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन, अभी आप सुनें। तो अब हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, दैट इज क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमने जो है न्यूमेरिकल्स देख लिए, तो अब हम इसके अगले पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली एज्यूट्रॉपिक सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को जो कि मैंने आपको ग्राफिकली बताया है, सॉरी न्यूमेरिकली बताया, इसको ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया वो आइडियल सॉल्यूशन का लिया, तो आइडियल सॉल्यूशंस में क्या रहता है, आइडियल सॉल्यूशंस में जो है
अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जी कुछ इस तरह का रहेगा। ये यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है, सुनते जाइए, और ये लेट इट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है यहां पर 0 होगी। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है यहां 0.4 हो गई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है यहां पर 0.6 हो गई। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां पर 0 हो गई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है यहां पर 1 हो गई। धीरे धीरे मतलब मोल फ्रैक्शन जो है इंक्रीज करते जा रहे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि मैं कन्वर्सेट कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास दूसरा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज आप जो है डिस्टर्बेंस मत क्रिएट कीजिएगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो चलिए, मैं मेरे पास जो एक दो मुझे टॉप पे दिख रहे हैं मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आर्यन को कर लिया, ठीक है ना, आकृति को कर लिया, आदित्य को कर लिया, ठीक है ना, बस। ठीक है, तो अब सुनिए, आई होप, क्योंकि आई जस्ट वांट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। मेरी आवाज वगैरह क्लियर सुनाई दे रही है ना? यस ठीक है, सर। हाँ बिल्कुल। मैं तीन लोग, आप जस्ट कन्वर्सेट कर लीजिएगा। सुनिए, अब क्या है, अब यहां पर क्योंकि ये प्योर ए है, क्योंकि हमने ए ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट लिया था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो इधर है, और ये जो है बी कम वाला है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर है। ये देखिए आप, ये लाइन कुछ इस तरह की है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा दे देते हैं तो हमारा ग्राफ बेटर बन जाएगा। ये लाइक दिस एंड लाइक दिस। सुनिए, अब क्या है जी इसमें, दैट इज कि अब यहां पर जो है, जब हम देखो, ये है हमारा लिक्विड फेज का और ये है वेपर फेज का। आप मेरी बात ध्यान सुनते रहिए। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी एक तरह से। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम कोई मिड कंपोजिशन का एक लिक्विड लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो इस कंपोजिशन का लिक्विड है, आप प्लीज मेरी बात को ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, इस कंपोजिशन का मान लो हमारे पास जो है लिक्विड है, तो जब इस कंपोजिशन का हमारे पास जो है लिक्विड होगा, ठीक है, तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर, ये जो लाइन है ये वेपर प्रेशर की, ये जो लाइनें हैं दो वो जो है वेपर प्रेशर की है, तो ये जो है इस टेम्परेचर पर जो है, इट इज द कंपोजिशन, सॉरी, इट इज द कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड ये है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे, इस टेम्परेचर पर जो हमारा लिक्विड है उसकी कंपोजिशन सपोज कुछ है ये, ठीक है ना, लेट इट बी एक्स। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये अब आपको लग गया पता कि ये जो है इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि यहां पर जो एक लिक्विड है उसके जो वेपर्स की कंपोजिशन होगी सेम टेम्परेचर पे क्या होगी, ये होगी, इज इट ओके। तो ये टी बॉइलिंग है, तो अब क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया भी कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो जो है वेपर फॉर्म में ज्यादा होगा, तो आप देख भी रहे हैं कि इस टाइम पे यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहां पर 1 है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0, तो ए ज्यादा बना। फिर मैंने कहा कि जब आप कंडेंस करोगे
तो कंडेंस करने पे जो है द कंपोजिशन रिमेन सेम, ठीक है। तो इसलिए जो वेपर्स की कंपोजिशन थी एग्जैक्टली सेम जो है लिक्विड में आ गई, सही बोल रहा हूं जी, ठीक है। और इसके बाद अगेन आप अगले कंटेनर में जो है आपने अगेन जो है इसको जब इक्विलिब्रियम में लाए, बॉइल किया, तो इसके जो वेपर्स की कंपोजिशन है वो आ गई है, ठीक है। अब ए कंपोनेंट ज्यादा उसमें आ गया, वेपर्स में ज्यादा आ गया, ठीक है। और फिर जब हमने कंडेंस किया तो जो है हमें क्या मिल गया, अब हमें जो है सेम कंपोजिशन आ गई लिक्विड में, फिर अगेन वेपराइज, अगेन कंडेंस, एंड एट वन पॉइंट यू विल गेट प्योर ए, सही बात है। वेपर्स में आपको जो है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको जो है प्योर ए मिल जाएगा, इज इट ओके। आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा बात को, अब क्या है, दैट इज कि अगर हम ये देखें कि हमने वेपर्स को नहीं कलेक्ट करना, यहां पे तो क्या कर रहे थे कि लिक्विड को इक्विलिब्रियम में आने दिया, बॉयल किया, वेपर्स बने, वेपर्स को कंडेंस किया, फिर वेपर्स बनाए, तो हम वेपर्स को लेके आगे चल रहे थे, नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम मदर लिक्विड लेते, मदर लिक्विड वो होता है जो कि वेपराइजेशन के बाद बच गया। अगर वेपर्स में ए ज्यादा जा रहा था तो इसका मतलब जो नीचे मदर लिक्विड था उसमें बी ज्यादा था। तो अगर हम उल्टा प्रोसेस करें कि लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, फिर जो मदर लिक्विड नीचे बच गया उसको अलग कर दिया, फिर उसको फिर से बॉयल किया, वेपर्स फिर से अलग कर दिया मदर लिक्विड, तो ऐसे अगर आप मदर लिक्विड को करते जाओगे, मतलब जैसे मान लो ये कंपोजिशन है ना, अगर आपने इसके वेपर्स जो है यहां, वेपर्स की कंपोजिशन यहां पे है, तो जो इससे बचा हुआ लिक्विड होगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो इस तरफ खिसक जाएगा। अगेन आप उसको इवेपोरेट कीजिए तो वो जो है फिर से इस तरफ खिसक जाएगा। सो दैट मींस अगर आप मदर लिक्विड के साथ जाएंगे, दैट मींस यू विल गेट प्योर बी, सही बात कह रहा हूं कि नहीं, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। आर्यन, ये जो तीन लोग हैं कंफर्म कीजिए आप तक मैसेज पहुंच रहा है क्लियरली। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, डन डन डन, ठीक है। अब सुने आप बात, तो अब इसके बाद जो है, जब हम, ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन, दैट मींस इस ग्राफ से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज इजीली पॉसिबल टू सेपरेट आइडियल सॉल्यूशन इनटू टू प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट ए बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन इंटू टू प्योर कॉम्पोनेंट्स, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम जो है इनको ए और बी कंपोनेंट्स में जो है सेपरेट कर सकते हैं, इज इट ओके, ठीक है। तो ये हो गई आइडियल सॉल्यूशंस की बात, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी वी हैव टू टॉक अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, ध्यान देते रहिए आप। तो अब हम बढ़ रहे हैं
सेकंड केस की तरफ। Now, अब बात कर रहे हैं हम अबाउट नॉन आइडियल solutions, और नॉन आइडियल solutions में भी हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द solutions विद हम ले लेते हैं विद पॉजिटिव डेविएशन। सुनिए, सो नॉन आइडियल solutions आई एम सॉरी, मैं आपकी चैट्स भी अभी नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, बट आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एज आई हैव unmuted three persons, so you can just communicate me if something goes wrong. Non-ideal solutions with positive deviation. इसका आप ग्राफ देखिएगा, इसका जो ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन वाले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे, बढ़िया एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे, ठीक है ना। मैंने कहा था जैसे आप जो है एल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन डाल दें या कुछ इस तरह की चीज जो है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हैम्पर करेगी। तो अब यहां पर जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, देखिए, ये अगेन टी बॉइलिंग और यहां पर हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ज्यादा जो है कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मोर वोलेटाइल है। बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा रहेगा, ठीक है। सुनते जाए यहां पर, जस्ट मुझे दो मिनट दे दीजिएगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगेन यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वन, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन, तो मतलब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब हम धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन जो है ए की कम करते जा रहे हैं, बी की जो है बढ़ती जा रही है यहां से यहां की तरफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में मान लो, मान लीजिए कि हम लोग किसी इस पॉइंट पे है, इस सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन मान लीजिए एक्स है, समझ आ रही है बात। अब जो इसके वेपर की कंपोजिशन होगी सेम सेम कॉन्सेप्ट है, तो वो ये होगी, और उन वेपर्स को जब हम कंडेंस करेंगे जी तो कंपोजिशन ये आ जाएगी। फिर जब इसको इवेपोरेट करेंगे तो ये वेपर्स हैं अपने, ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये आ जाएगी। एंड देन फिर जब हम कंडेंस करेंगे तो ये आ जाएगी, फिर इवेपोरेट करोगे ये आ जाएगी, कंडेंस इवेपोरेट कंडेंस इवेपोरेट, यू विल रीच एट दिस पॉइंट। नाउ दिस इज दैट स्पेशल पॉइंट, आप समझ लीजिए इस पॉइंट पर क्या होगा। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर्स दोनों की कंपोजिशन जो है एक ही पॉइंट पे। अब आप समझ लें ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी मोल फ्रैक्शन है, जैसे ए की मोल फ्रैक्शन 0.7 है, बी की 0.3 है, लाइक दैट, ठीक है, मान लो कुछ भी है, ये 0.8 0.2 है, 0.75 0.25 है, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन जब जो है आप इस कंपोजिशन पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, नाउ
जब आप लिक्विड को वेपराइज करेंगे तो क्या होगा कि उसके वेपर्स की मोल फ्रैक्शन भी वही होगी जो लिक्विड की होगी। मतलब अगर लिक्विड की 0.7 0.3 है तो वेपर्स की भी 0.7 0.3 होगी। और ऐसे में होगा क्या कि क्योंकि लिक्विड की और वेपर्स की कंपोजिशन सेम हो गई है तो इस वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इनटू प्योर कंपोनेंट्स। क्योंकि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि यहां पर धीरे धीरे एक ही मोल फ्रैक्शन बढ़ रही थी, हमारा ग्राफ जो है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जा रहा था, लेकिन एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंड, द लिक्विड एंड वेपर्स बोथ हैव द सेम कंपोजिशन, सो नाउ द ग्राफ विल नॉट बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो एज ए रिजल्ट एट दिस पॉइंट इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दिस सॉल्यूशन इनटू प्योर ए एंड बी। और इसी कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, हम यहां से स्टार्ट किए, टारगेट क्या था ए और बी प्योर बनाना, लेकिन हम फंस गए यहां पे, प्योर ए तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। और जब तक प्योर ए नहीं मिलेगा पूरे तरीके से तो प्योर बी भी कहां से मिलेगा, क्योंकि दोनों का सोल्यूशन है। एंड सपोज अगर हम यहां से स्टार्ट करते इधर से, तो वेपर्स की कंपोजिशन ये होती, फिर कंडेंस करते लिक्विड की ये होती, फिर वेपर्स की ये होती, फाइनली हम इस पॉइंट पे ही फंस जाते। मतलब आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यू विल बी दिस फिक्सिंग एट दिस पॉइंट, यू विल गेट स्टक एट दिस पॉइंट जहां पे कि द कंपोजिशन ऑफ वेपर इज सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड दैट सोल्यूशन ऑफ दैट कंपोजिशन इज कॉल्ड, ये जो कंपोजिशन वाला है ना, लेट इट बी सम जेड डैश कंपोजिशन, इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, और आप यहां पर तो मतलब एक बात तो ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दिस सोल्यूशन इंटू प्योर कॉम्पोनेंट्स। दूसरी बात, ये जो सोल्यूशन है ना, आप देख रहे हैं इस पॉइंट को, ये जिस पॉइंट पे बन रहा है उस पॉइंट पर हमारा जो सोल्यूशन है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, तो इसलिए इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे ना वो जस्ट इसका रेप्लिका बनेगा। मतलब अगर मैं यहीं पर कुछ वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो जस्ट ऐसे बनेगा। तो इसको हम, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ना जब आप मिक्स करते हो, तो वेपर प्रेशर का ग्राफ उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसको हम मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप भी बोलते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे ना वो सारे वो होंगे जैसे इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, आई होप आपको मेरी बात जो है क्लियरली समझ में आ रही है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें।
दैट इज बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें जो है हम लोग, ये तो हो गए पॉजिटिव डेविएशन वाली बात, लेकिन नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। हमने एग्जांपल लिया था क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, व्हेन बोथ कंबाइंस तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे हो जाती है कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर उसका जो ग्राफ बनता है ना, दैट इज जस्ट अपोजिट टू, तो यहां पर ये ए है ये बी है, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो अगेन लेट मोर फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी वन हियर, मोर फ्रैक्शन ऑफ बी बी वन, तो मतलब इधर से मोल फ्रैक्शन ए की कम होती जा रही है और बी की बढ़ती जा रही है, फाइनली प्योर ए एंड बी प्योर बी का ग्राफ है। अब सुन अगेन द सेम थिंग कि अगर हम यहां पर जैसे बॉइल करने लगते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मान लो आप यहां पर है, ठीक है, आपके पास लिक्विड है ये इस कंपोजिशन का, तो आप जब उसको बॉइल करेंगे ये बनेगा ऐसे 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 ऐसे, इससे आपको लग रहा है कि यू विल गेट प्योर ए, लेकिन मैंने कहा हमारे पास जो पूरा सोल्यूशन होगा प्योर बी भी चाहिए ना, हमें होगा क्या प्योर बी के लिए हमें मदर लिक्वर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मदर लिक्वर में क्या है कि जब आप जो है इस कंपोजिशन के लिक्विड को लेंगे तो उसमें उसका जो मदर लिक्विड होगा उसमें बी ज्यादा होगा, तो बी यहां पे आ जाएगा, फिर आप इसको वेपराइज करके फिर से मदर लिक्विड लीजिए, फिर से यहां पे ऐसे जो है फाइनली यू विल रीच एट दिस पॉइंट। जब आप प्योर बी को लेने चलेंगे तो यू विल रीच एट दिस पॉइंट, अगेन दिस पॉइंट, अगेन प्रॉब्लम वाला पॉइंट कि यहां पर जो है हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो अगेन स्पेशल कंपोजिशन वाला है, दैट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब तो मतलब यहां पर भी हम सेम बात कंक्लूड कर सकते, सेम सिचुएशन आनी, यहां पे मदर लिक्विड के साथ इधर से भी स्टार्ट करोगे वेपर्स से आपको जो है प्योर भी मिल जाएगा, लेकिन जो मदर लिक्विड बचता जाएगा उससे जो है आप इस पॉइंट पे स्टक हो जाएंगे। दैट मींस आप किसी भी कंपोजिशन का लिक्विड लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम कंप्लीटली इनटू प्योर ए एंड प्योर बी। ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, एक बात इसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे या मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप बोलेंगे। आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही है और बढ़िया तरीके से आ रही है, इज इट ओके? ठीक है, आप नोट करते जाइए जो है, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू द स्क्रीन, आप कीजिए।
किसी को कुछ पूछना हो बता दीजिए। हाँ ना आगे बढ़। अब सुने, हम लोग हमने अब तक ये तो पढ़ा कि दो सॉल्यूशंस जो है, दो लिक्विड्स जो है, जब मिक्स होते हैं, जब वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, तब तक के तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिए। लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग डिस्टिलेशन ऑफ या इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन लिखने से सही है व्हाट वी राइट। व्हेन बोथ ए एंड बी इमिसिबल, मतलब एक दूसरे में घुलते नहीं, मिक्स नहीं होते। बट बोथ आर वोलेटाइल, ठीक है। जैसे कोई भी आप दो कंपोनेंट्स ले लीजिए जो वोलेटाइल तो दोनों वेपर्स बनाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ऐसे में क्या होगा? देखो, पहली बात तो जो ए एंड बी है ना, उसकी लेयर्स बन जाएंगी। जैसे देयर विल बी वन लेयर, जैसे मान लीजिए ये ए है एंड देयर विल बी सम सेकेंड बी लेयर, ठीक है। और यहां पर जो है इनके वेपर्स होंगे, ठीक है। तो पहली बात कि मान लो यहां पर ए की मोल फ्रैक्शन वाई ए है, बी की मोल फ्रैक्शन वाई बी है, तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों जो है वो मिक्स नहीं हो रहे। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड अपॉन पी बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, रिमेंबर दिस टर्म, स्टैंडर्ड नॉट पी ए और पी बी, मतलब किस कंपोजिशन में यहां पे है वो मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है कि उनके पीए पीबी कितने हैं। मतलब अगर इसका 600, ये 600 mm है, ये 400 है, तो ऑलवेज दे विल बी कमिंग अबव इन द रेशियो ऑफ 0.6:4, ठीक है। तो और क्योंकि ये है, सो दैट मींस वी कैन से, क्योंकि वाई ये क्या है, एन ए अपॉन एन टी एंड एन बी अपॉन एन टी, या इसको समेशन ऑफ ऑल द मोल्स कह लीजिए, समेशन ऑफ ऑल द मोल्स, तो ये तो कट जाना है। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, और वो क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी एम बी। एंड
इट इज इक्वल टू पीए स्टैंडर्ड पीवी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो है सिचुएशन रहेगी। क्या आपको नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स की बात समझ में आ गई? ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट यू हैव रिटन। ठीक है, तो मुझे सुनीता पंडिता ने कहा रिपीट करने के लिए, ओके आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई होप आपने इसी के बारे में कहा हो। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि हमने ए और बी जो है कंप्लीटली इमिसिबल है, दे डज नॉट मिक्स विद ईच अदर। आप कोई दो लिक्विड्स मान लीजिए, जैसे पानी और तेल की बात कर लेते हैं, लेकिन दोनों वोलेटाइल होने चाहिए इस केस में। ठीक है, तो दोनों वोलेटाइल होने चाहिए, तो उनके यहाँ पे कंपोजिशन क्या है, क्योंकि वो दो लेयर्स बनाएंगे, तो ये मायने ही नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उनका पीए स्टैंडर्ड पीबी स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंटली कितना है, और वेपर फॉर्म में जो उनकी मोल फ्रैक्शंस होंगी उनका रेशियो विल बी इक्वल टू पीए स्टैंडर्ड अपॉन पीबी स्टैंडर्ड। और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कट गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम ए, एनबी का क्या होगा डब्ल्यू अपॉन एमबी, तो पीए स्टैंडर्ड पीबी स्टैंडर्ड। सो लाइक दिस हमारे पास जो है आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, इज इट ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इफ एनीथिंग यू हैव टू से जस्ट वन मिनट।